जब भी कभी हम ये बात करते हैं कि कोई भी हमने गन ली और गन से हम बुलेट को फायर कर रहे हैं, ठीक है, तो जब गन से हम बुलेट को फायर करते हैं तो जो स्ट्राइकर है उसका, जो स्ट्राइकर होता है, वो स्ट्राइकर बुलेट पर टकराता है, और बुलेट पर टकराता है तो बुलेट का जो मेटल वाला पोर्शन होता है वो जनरली ब्रास का बना हुआ होता है, तो मेटल वाला पोर्शन तो वहीं रह जाता है, और जो बुलेट के अंदर का जो मटेरियल होता है, जो गन पाउडर का बना हुआ होता है जिसको बारूद बोल देते हैं, तो वो निकल के बाहर जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो स्ट्राइकर था वो भी तो बुलेट का, वो भी तो गन का ही एक हिस्सा था ना, तो उसने गन ने बुलेट पर स्ट्राइक करा तो बुलेट भी तो रिएक्शन करेगी ना वापस, ठीक है। तो वो जो रिएक्शन फोर्स होता है, वो रिएक्शन फोर्स कहीं चोट ना लग जाए बहुत बुरी तरीके से, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, चेस्ट वाला पोर्शन, ये काफी स्ट्रांग पोर्शन होता है, तो यहाँ शोल्डर के और चेस्ट के बीच में उसको गन को लगाकर और फिर ऐसे रखकर और फिर फायर करा जाता है, ठीक है ना। वो फिल्मों वाला नहीं, वो गन को ऐसे लिया और धड़ 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 वो उड़ाते चले गए सब कुछ, है ना। हाँ वो कुछ ऐसे वो नीचे रख के भी उड़ा देते हैं, होता हाँ। तो वो फालतू की कहानी है, ठीक है। अच्छा तो अब जरा देखिएगा, अरे अभी तुमने शायद साउथ की फिल्में नहीं देखी हैं, उसमें बहुत कुछ होता है। वो बस KGF 2 में ही हो सकता है। चलिए जी देखिएगा। हाँ ये रॉकी भाई, अरे यहां पर बुलेट लगी हुई है, यहां पर बुलेट लगी हुई है, और ये बैरल ऑफ द गन है। मर्जी है आपकी, मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्राइकर है जैसे ही, और ये स्ट्राइकर इससे कनेक्टेड होता है ट्रिगर से, जैसे ही इसको ट्रिगर को पीछे खींचते हैं तो ये स्ट्राइकर पीछे जाकर वो फिर बुलेट पर टकराता है, और जब ये बुलेट पर टकराता है, मैंने ऊपर बना दिया, बुलेट इसके अंदर इंसर्टेड होती है, और जैसे ही ये स्ट्राइकर इस पर टकराता है तो टकराते ही वो बुलेट निकल कर जाती है। अब जब बुलेट निकल कर जाएगी तो बुलेट भी तो इस पर वापस झटका मारेगी ना, वापस रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी क्या है, गन, तो पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा गन, और दूसरी बॉडी क्या है, बुलेट। तो अब जो गन है, गन का जो मास है M1, और बुलेट का मास जो है दैट इज M2, तो जो गन का मास है वो कितना दे रखा है, 6 किलोग्राम, तो उसको लिखेंगे 6 किलोग्राम, और जो बुलेट है, बुलेट का मास दे रखा है 10 ग्राम, तो वो जो 10 ग्राम है उसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करके, बिल्कुल ठीक। तो आपको इसको 1000 से डिवाइड कर देना है, और वो इस वजह से करते हैं क्योंकि जो SI यूनिट होती है मास की, वो किलोग्राम होती है, ग्राम नहीं होती, किलोग्राम होती है, ठीक है। तो भाई मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 1/100 कितना हो गया, 0.01 किलोग्राम, तो M1 आ गया और M2 आ गया। उसके बाद क्या है कि जो उन्होंने बोला, आप बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 किलोग्राम, तो शुरुआत में हम ये देखेंगे कि जो गन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 जीरो, गन कोई चल थोड़ी रही थी, कोई मोशन में थोड़ी थी, रेस्ट में थी ना, तो गन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। जो बुलेट है, बुलेट भी चल थोड़ी रही थी, बुलेट भी रेस्ट में थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी जीरो हो गई, है ना। इसके बाद में लेकिन जब वो फायर हो जाती है तो भाई गन का तो पता नहीं कि गन ने झटका कितनी वेलोसिटी के साथ मारा, वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, ठीक। लेकिन जो बुलेट है, बुलेट कितनी वेलोसिटी के साथ निकल कर गई, 300 मीटर पर सेकेंड, तो ये दे रखा है, मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद हमें वही लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला रिलेशन, कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमारे पास ये जो अननोन वैल्यू है V1, ये आ जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा,
यहाँ नोट कीजिएगा, बाय द लॉ ऑफ, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। उल्टा लिखोगे तो भी चलेगा कि बिफोर कोलिजन को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दो, आफ्टर कोलिजन को राइट हैंड साइड में लिख दो, वो भी चलेगा, वो भी ठीक है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन का मतलब क्या है कि हमें बाद वाली फाइनल वाली वेलोसिटीज लेनी है, तो क्या लेंगे, एम वन वी वन, प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। अब एम वन वी वन, तो एम वन मास कितना दे रखा है भाई गन का बताइए, एम वन वी वन, तो 6 × V1 मुझे कैलकुलेट करना है, V1 मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, तो 6 × V1, तो 6V1 प्लस M2 कितना है, 0.01, तो M2 V2 0.01 × 300, 0.01 × 300 इज इक्वल टू अगेन M1 कितना है, मास ऑफ बुलेट, वो मास ऑफ गन 6, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो 6 × 0, ठीक है। और फिर क्या है कि M2 U2 यानी कि 0.01 × 0, तो ये राइट हैंड साइड तो हमारी पूरी 0 हो जाएगी, 0.01 × 0, तो राइट हैंड साइड हमारी पूरी 0 हो जाएगी। यहां पर पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया 6V1 प्लस 1 × 3 मतलब 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 को उधर ले जाइए, तो 6V1 इज इक्वल टू -3, तो V1 इज इक्वल टू -3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो -1/2 बोल दो, या माइनस का 0.5 बोल दो, माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब वही है ना कि हमारा जो गन है बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो गन जो है वो झटका पीछे वाली डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में लगाएगी। तो नेगेटिव वेलोसिटी आने का मतलब क्या है कि हमारा आंसर ठीक है, नेगेटिव में नहीं आती तो आंसर गलत होता, समझ गए। तो ये माइनस का समझ में आ गया, नहीं समझे, अच्छा। तो हम ये यहां पर लिख लीजिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट गन रिकॉइल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट। बुलेट जिस डायरेक्शन में बुलेट का मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन झटका मारेगी। बिल्कुल सही बात है, वो भी कराया जा सकता था, लेकिन ना उसके लिए दो मेथड आपको अलग अलग याद रखने पड़ेंगे। आप सीधा सीधा ये याद रखो ना कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। द कार ए ऑफ मास 1500 किलोग्राम बोलो, बोलो तो सही, चलो जब याद है बता देना, कोई बात नहीं। द कार ए ऑफ मास 1500 किलोग्राम ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड
टन और मैट्रिक टन में क्या डिफरेंस है? कोई अंतर नहीं होता, सेम होता है, ठीक है ना। बस 1 टन में 1,000 किलोग्राम होते हैं, बस ये याद रखना, ठीक है ना। 1 टन बोलो या 1 मैट्रिक टन बोलो, एक ही बात है। द कार ए ऑफ मास 1500 किलोग्राम ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद अनदर कार बी ऑफ मास 1000 किलोग्राम। अनदर कार बी ऑफ मास 1000 किलोग्राम ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। इन द सेम डायरेक्शन फुल स्टॉप आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन, ये बताना है। तो उन्होंने कहा दो कार्स हैं, एक कार ए है और एक कार बी है। तो कार ए जो है, कार ए का मास 1500 किलोग्राम है, तो यहां लिख लो कार ए। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे पता था कि क्या क्या टकरा रहा था, बुलेट और गन, वो दोनों टकरा रहे थे। अब कार ए और कार बी टकरा रही है, तो कार ए का मास कितना दे रखा है, 1500 किलोग्राम। तो M1 इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम। कार बी का मास 1000 किलोग्राम, तो M2 इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, ठीक है। और कार ए ऑफ मास इतना ट्रैवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, ट्रैवलिंग एट मतलब वो अभी इस टाइम इस वेलोसिटी पर 25 मीटर पर सेकेंड पर ट्रैवल कर रही है, तो U1 कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद अनदर कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है U2 वो कितनी दे रखी है, 15 मीटर पर सेकेंड। इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। तो कार ए की वेलोसिटी V1 ये कितनी बन जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन, V2 कैलकुलेट करना है, कर लेंगे V2। इलास्टिक कोलिजन, तो पहली चीज तो ये है कि वो परफेक्ट आइडियल कंडीशन में होती है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है जानते हैं? एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, और जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो ये जो कंडीशन है इलास्टिक कोलिजन वाली, ये सिर्फ प्रैक्टिकल कंडीशन में पढ़ी जाती है, इसको वैसे पढ़ते ही नहीं, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन कभी भी नहीं, प्रैक्टिकल कंडीशन में कभी कभी भी ऐसा होएगा ही नहीं ऐसे। तो फिर मतलब अगर मान लीजिए हम गोल्फ टॉप गोल्फ की जो सॉरी गोल्फ कह रहा हूँ, जो स्नूकर वाली जो टेबल होती है, स्नूकर वाली टेबल पर एक बॉल से हमने दूसरी बॉल को हिट करवाया, तो उसने दूसरी बॉल को हिट करा, दूसरी वो हमेशा टक 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 चलता ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा है ना। छोटे बच्चे देख कर ऑर्डर जाएंगे कि ये क्या हो गया, ये बॉल्स रुक क्यों नहीं रही है, ठीक। चलिए जी आगे देखिएगा इसमें। M1U1 प्लस M2U2, M1V1 प्लस M2V2 के इक्वल हो गया। M1U1 क्या होगा, 1500 इंटू 25,
और M2U2 क्या होगा, 1000 × 15, M1V1 क्या होगा, 1500 × 20, और M2V2 क्या होगा, 1000 × V2। ठीक है, अब 25 0s are 25, बल्कि एक काम करते हैं ना, 1000 वाले को एक तरफ ले आते हैं, 1000 × 15 −1000 V2, इसको तो ले आए इस तरफ, और राइट हैंड साइड में 1500 × 20 −1500 × 25, ये हो गया। यहां से ले लो 1000 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 15 − V2, 15 − V2, और इधर 1500 है दोनों में, तो 1500 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 20 − 25, 2 0 से ये 2 0 कट गए, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती, परेशान करती है हमको, तो इस वजह से हमने ऐसे कर लिया। समझ गए, समझ गए। ठीक है, हम क्या करो, ये जो 10 है इसको 10 को नीचे ले जाओ यहाँ, बल्कि और काटो इसको, 5 2 10, 5 3 15, ठीक है, अब 2 को लेकर जाओ उधर, 15 − V2 इज इक्वल टू 3 × 20 − 25, कितना हो गया, माइनस का 5, और 2 को इधर ले आए, ठीक है, तो 15, अच्छा 15 को भी उधर ले जाओ, तो −V2 इज इक्वल टू −15/2 और −15, सही है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो जरा क्या हो गया, आप अलग तरीके से कर सकते हैं, मेरा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन रिजल्ट सेम आएगा, 15 2 कितना हो गया, 30, −15 − 30 / 2। गुड इवनिंग, −V2 इज इक्वल टू माइनस का 45/2, माइनस से माइनस कट गया, 22.5 m/s। ठीक है, आंसर देख लो एक बार, 22.5 m/s। ठीक है, आज इतना ही करिए, कल का टाइम 4:30, 4:30 शाम का, 4:30 बताओ भाई, जल्दी का नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा, देखता हूँ कोशिश करके, अगर हुआ तो बुला लूँ। ओके ओके।